हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो है आईआईटी जैम एमएससी मैथमेटिक्स 2019 का सॉल्व पेपर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कई सारी वीडियोज बनाएंगे जिनमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन वन जो है वो है हमारे पास, लेट ए वन एंड बी वन बराबर जीरो एंड फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेट ए एन एंड बी रियल नंबर्स गिवन बाई ए एन बराबर एम बराबर टू टू एन माइनस वन टू द पावर एम डॉट एम लॉग एम की पावर एम एंड बी एन बराबर टू टू एन लॉग एम की पावर एन एम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन, बी एन इन दोनों सीक्वेंस के बारे में कौन सा ट्रू है? ऑप्शन है हमारे पास, बोथ ए एन एंड बी एन आर डाइवर्जेंट, ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज डाइवर्जेंट, ए एन इज डाइवर्जेंट बी एन इज कन्वर्जेंट, बोथ ए एन एंड बी एन इज कन्वर्जेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ए एन वाले को। तो ये है हमारे पास ए एन बराबर, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर का एंथ स्टेप क्या है हमारे पास एक्स, अगर इसको एन देना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन टू द पावर एम डॉट एम अपॉन लॉग एम इसकी पावर एम, ये हो गया हमारे पास। तो अब इसके हमें कन्वर्जेंट चेक करने के लिए इसकी वैल्यू देखनी है एन टेंस टू इनफिनिटी पे। तो इसके लिए हम ये रूल लगा रहे हैं, लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन वाला रूल। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एम टेस्ट टू इन्फिनिटी वन अपॉन एम है ये, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन एम टू द पावर वन अपॉन एम अपॉन, क्योंकि जब पावर इसकी पावर वन अपॉन एम होगी तो पावर में जो एम है वो कट जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एम, ये हो गया हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेस्ट टू इन्फिनिटी, और ये हो गया वन अपॉन लॉग एम, ये हो गया हमारे पास। अब फिर जब ये हो गया हमारे पास, जो कि हमारे पास जीरो है यानी कि लेस देन वन है, ये लेस देन वन है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये टर्म जो है लेस देन जीरो तो कन्वर्जेंट है, यानी कि यहां से ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है। अब सिमिलरली हम देखते हैं बी एन के लिए, पहले इसको रफ कर देते हैं। अब हम बी एन के लिए देखते हैं। तो बी एन के लिए अगर एक्स एम लिखना चाहे तो वन अपॉन लॉग एम की पावर वन अपॉन की पावर एम, ये तो इसके लिए भी सिमिलर रूल लगाएंगे। तो इसके लिए भी सिमिलर रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी इसी तरह से लेस देन सॉरी जीरो ही आएगा जो कि लेस देन वन होगा, तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ से ए एन एंड बी एन जो है दोनों कन्वर्जेंट होंगे। तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास, बोथ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, लेट टी बिलोंग्स टू एम, एम क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स है बिलोंग्स टू आर, लेट बी बी ए सब स्पेस ऑफ एम क्रॉस एन क्रॉस पी ऑन आर डिफाइंड बाई वी बराबर जो है एक्स बिलोंग्स टू एम जो है एन क्रॉस पी मैट्रिक्स इस तरह से है कि टी एक्स बराबर जीरो, देन द डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी? ऑप्शन है पी एन माइनस रैंक टी, एम एन माइनस पी डॉट रैंक टी, पी एम माइनस रैंक टी और पी डॉट एन माइनस रैंक टी, ये रहेगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं कि वी नो दैट एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं टी आई आर एन बराबर टी आर एन, यानी आर एन से आर एम में, ये हो गया। तो और चूंकि ये हम जानते हैं रैंक टी प्लस नलिटी टी
जो होता है वो डायमेंशन के इक्वल यानी कि एन के इक्वल होता है। ये हो गया हमारे पास। अब जो चूंकि बी क्या डिफाइन है हमारे पास, वी डिफाइन है हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस पी आर मैट्रिक्स इस तरह से कि टी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम एक जो है ट्रांजिशन डिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन में एस इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक सेकेंड ये सभी याद रखने हैं रिजल्ट हमें। अब फिर क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका, क्वेश्चन नंबर थ्री इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेट जी आर टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन डिफाइन वाई, इस तरह से डिफाइन है हमारे पास। देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। तो पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर। अब इस अंदर वाले पार्ट का करेंगे तो टू एक्स। अब निकालना है हमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो पहले हमारे पास जी डबल डैश ये हो जाएगा जी डबल डैश इस टाइम का कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट फोर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x यहाँ पे था और 2x इसका जब करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू जेड स्क्वायर है तो माइनस टू जेड रहेगा, ये माइनस टू जेड स्क्वायर डॉट टू या टू को हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब हम एफ एक्स एफ वाई वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे दो टू टाइम तो वो आ जाएगा हमारे पास जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड डैश और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर, ये हो गया। और जब हम एफ जेड जेड में पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड करेंगे इसी तरह से इस टर्म का तो ये हो जाएगा हमारे पास जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ये 16 जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4 जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर। अब जब हम दोनों को इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने पे हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 4 जेड स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास जो कि हमारे पास ऑप्शन में है हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।